समझते हैं कि उठापटक के दौरान कहां आपको निवेश करना चाहिए। हाल में जो बाजार में गिरावट हुई है उसमें कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिन्होंने बाजार की तुलना में ज्यादा गिरावट झेली है। 18600 से लेकर निफ्टी की जो 16400 तक का जो पूरा सफर है उसमें निफ्टी जहां करीब 12% गिरा है, इस दौरान ऐसे भी शेयर हैं जिन्होंने 30% से ज्यादा की गिरावट भी झेली है। तो बाजार की उठापटक से बचने के लिए आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को गठन करते हैं ये बहुत अहम है। बाजार की मौजूदा उठापटक में आपको कौन से शेयर खरीदने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। हमने बाजार के 5 एक्सपर्ट से बात की और आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार किया है जो लंबी अवधि में बाजार की उठापटक से बचने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हमने बात करी इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रेटजीज एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। उन्होंने जो पहला शेयर हमें बताया वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। उनका ये कहना था कि 2 से 3 साल के नज़रिए से आप इसमें निवेश करें तो 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बीते एक दशक में इनके पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट्स में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 4 तिमाही से विदेशी निवेशक लगातार हिस्सा बढ़ा रहे हैं और शेयर अपने हाई से 52-week हाई से 30% नीचे भी आ चुका है। दूसरा शेयर जो उन्होंने बताया वो है विप्रो का। 1500 के टारगेट के लिए यहाँ पे 2 साल के नज़रिए से आप निवेश कर सकते हैं। बीते 10 साल में मुनाफा साल दर साल लगातार 7% बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्री औसत के मुकाबले वैल्यूएशंस अच्छे हैं और अपने हाई से ये शेयर 7% नीचे कारोबार कर रहा है। तीसरा शेयर जानने के लिए हमने ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च सचिदानंद उत्तेकर से बात करी। उनका ये कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। समय आपको रखना है 4 से 6 महीने का। यहाँ पे टारगेट होगा 8630 का, स्टॉपलॉस रखना है 7130 रुपये का। 7000 का स्तर जो है वो 200 DM है और बहुत ही मजबूत स्तर है और मजबूत सपोर्ट से इस स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है जो कि मजबूती का संकेत है। हाई से शेयर 11% नीचे भी आ चुका है। चौथा शेयर उन्होंने बताया यूनाइटेड स्पिरिट्स का, जहां पे 1080 तक के टारगेट्स के लिए आपको 4 से 6 महीने के लिए निवेश करना है। 1022 से गिरावट के बाद डबल बॉटम बनाएगी। 2 बार एक ही जगह से शेयर में ऊपर की चाल बनी है, वो तेजी का संकेत है। गिरावट के दौरान 20 VMA जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां का स्तर नहीं तोड़ा है और हाई से शेयर 13% नीचे भी आ चुका है। अगला शेयर जानने के लिए हमने कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के गौरव गर्ग से बातचीत करी। उनका कहना था कि CDSL, इस शेयर को आप 1 साल के नजरिए से खरीदे, 2000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मजबूत मार्केट शेयर है, 57% का डीमेट खातों, ऑनलाइन यूजेज चार्ज बढ़ने से इस कंपनी को फायदा होगा और डिपॉजिटरी स्पेस में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। इसका पेरेंट BSE ये अगली कंपनी है। 1 साल के नजरिए से खरीदें तो 2500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। कर्ज मुक्त और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है, CDSL में बड़ा हिस्सा है और 52 हफ्ते की ऊंचाई से 19% नीचे ये स्टॉक अवेलेबल है। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से हमने बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल स्पेस में आपको ICICI बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 800 से 900 रुपये तक के लक्ष्य होंगे, 692 से 700 रुपये ये मजबूत सपोर्ट स्तर है और बाजार में रिकवरी आएगी तो फाइनेंशियल जो ज़्यादा गिरे थे वहीं पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। ICICI बैंक वैसे भी हाई से 19% करेक्ट हो चुका है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 से 3000 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करें, 200 DMA के आसपास मजबूत सपोर्ट लिया है, तकनीकी तौर पे ओवरसोल्ड है और 15% स्टॉक करेक्ट हो भी चुका है। आखिरी 2 शेयर जानने के लिए हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन से हमने बात करी। L&T पहला नाम था उनकी लिस्ट में, 2150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मजबूत ऑर्डर बुक है, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा तो इस कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। हाई से स्टॉक 7% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। और आखिरी शेयर है इन्फोसिस का, जहां पे 2060 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अच्छे फाइनेंशियल्स है कंपनी के, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है और अपनी जो आय ग्रोथ गाइडेंस है वित्त वर्ष 2022 के लिए उसको इस कंपनी ने ऊपर की ओर रिवाइज किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये 10 ऐसे स्टॉक हैं जिसको आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं ताकि आप बाजार की उठापटक से बच सकें। अगली वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बाजार की उठापटक से म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनको कैसे बचना चाहिए।